जो है वो सबसे ऊपर, फेमिन नीचे, उसके नीचे मुझे, तो अरे नहीं पर चाहिए। 377, 377 जो का जो धाराएं जो ये अंग्रेजों के जमाने से जो लगी थी, वो अभी कुछ ही साल पहले वो हमारे पे से हटाई गई है। बेटियों के साथ जो हो रहे हैं शोषण, हो रहे हैं अत्याचार, अरे यार हमसे लोग पूछते हैं इस तरीके से, लोग महिलाओं से कैसे फील करते हैं, महिलाओं से कैसे फेस आते हैं, अलग ट्रांसजेंडर टॉयलेट बना के हमें। सभी काशी वासियों को नमस्कार, मैं सलमान, आई एम ट्रांसजेंडर और किन्नर समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष। सोशल वर्क, और इस सोशल वर्क के क्षेत्र में हम 7 साल से सोशल वर्क कर रहे हैं, और एक किन्नर ही रहते हुए हम समाज के बीच जाते हैं, महिलाओं के बीच जाते हैं, पुरुषों के बीच जाते हैं, उनके लिए जो जागरूकता के लिए हम पर काम करते हैं। पहले हमने शुरुआत की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे, पहले हमने काम किया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिस तरीके से बेटियों के साथ जो हो रहे हैं शोषण, हो रहे हैं अत्याचार, उससे बचाने के लिए हम किन्नर समुदाय ने मिलके एक पहली बार ये मुहिम हमने बनारस में चलाई, जिससे समाज में बहुत बदलाव आया, थोड़ा बहुत बदलाव आया। उसके बाद हम किन्नर समुदाय ने हमने सोचा कि हम सब क्यों ना समाज से जुड़कर समाज के हित के बारे में सोचे, कि जो समाज हमारे लिए सोचती है कि आज हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ है, आज किन्नर समाज आएगा, आज उनको नेक दिया जाएगा, वो नेक लेने आएंगे, उनके एक एक नेक से हमारे घर का चूल्हा जलता है और हमारा जिंदगी गुजर बसर होती है। उससे हमें उस समाज से, उस परिवार से हमें इतना बड़ा बल मिलता है कि हम जी पाते हैं। मगर उस समाज को देखते देखते, उसी समाज के साथ जो भावनाएं बहन बेटियों के साथ, मतलब कि गलत व्यवहार, शोषण, अत्याचार, ये सब देखते देखते हम लोग बिल्कुल ऊब चुके थे कि अब हमको समाज में आना है। बहुत लोग काम कर रहे हैं समाज, बहुत लोग आ रहे हैं, क्यों नहीं बदलाव आ पा रहा है? अगर से हमारे आने से समाज का उद्धार हो जाए, बेटियों का उद्धार हो जाए, तो उससे हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मालूम होगा कि निर्भया के साथ हुआ, मनीषा के साथ हुआ, आसिफा के साथ हुआ, ये सब देख के हमारे रोए कांप जाते थे कि बेटी तो हमको पालना चाहिए, हम भी एक देश की बेटी हैं, जैसे एक वो भी देश की बेटी है। हमें क्यों नहीं लगता कि हम समाज में क्यों, मतलब कि हमें जो किस तरीके से जो अलग देखा जाता है कि तुम क्या हो, लड़की हो या लड़का, लोग देख के ऐसा फीलिंग करते हैं। फिर हमने सोचा कि यार हमसे लोग पूछते हैं इस तरीके से, लोग महिलाओं से कैसे फील करते हैं, महिलाओं से कैसे फेस आते हैं, इस तरीके से हमसे आ रहे हैं। तो इसी काशी की क्षेत्र में हमने इतना काम किया, फिर स्वच्छता पे हमने काम करना शुरू कर दिया, महिलाओं से, महिलाओं के ऊपर जो चल रहा है वो चल ही रहा है। फिर हमने स्वच्छता पे चालू किया, जिसमें नगर निगम ने हमको ब्रांड अम्बेसडर बनाया, स्वच्छता दूज बनाया, जिसमें हम ये काम करते थे कि गीले और सूखे कूड़े को आप मिला के ना रखें, अलग रखें, डस्टबिन वगैरह यूज करें, साफ सफाई रखें। जिस तरीके से आपने देखा हो कि मलिन जो बस्तियां होती हैं, जो गरीब परिवार की जो बस्तियां होती हैं, उनमें ज्यादातर बहुत गंदगियां होती हैं, जिससे उनको बीमारी के शिकार बन जाते हैं, और जब सीजन सीजन आने वाला डेंगू मलेरिया के वो शिकार होके वो उनकी मौतें हो जाती हैं। उस तरीके से हमने उस पर काम किया। जब हमने उस पर काम किया तो कुछ लोगों ने फेस किया, ये तो किन्नर हैं, ये क्या काम करेंगे, क्या करेंगे, चलो उनको नाचना गाना ही रहता है, ये क्या कर पाएंगे। तब भी वहां पे कुछ बदलाव देखा गया कि किन्नर कुछ कर रहे हैं समाज के लिए। वहां पे भी बनारस की कुछ जनता ने हमको एक्सेप्ट किया। जब एक्सेप्ट जनता ने एक्सेप्ट किया, तो फिर हम उनके लिए दिल खोल कर हम उनके सामने आ गए कि हमें इनके लिए काम करना है। स्वच्छता पे हमने 1.5 साल तक काम किया, साफ सफाई, रैलियां वगैरह करते रहे, पोस्टर बैनर चिपकाते रहे स्वच्छता का। फिर उसके बाद उन्होंने हमको हटाया, हटाने के बाद फिर हमने एक प्रपोजल डाला, मेल फीमेल का शौचालय होता है, ट्रांस किन्नर का क्यों नहीं टॉयलेट, क्या किन्नर अपने आप को अलग थोड़ी समझते हैं? और हुआ, उन्होंने पूछा कि आपकी समस्या क्या है, हमने कहा कि सब एक बराबर नहीं हो, सब एक जैसा नहीं होता, कहीं कहीं आपने देखा होगा कि कोई किन्नर अगर से वॉशरूम में जा रहे तो कुछ पुरुष छेड़छाड़ कर रहे हैं, कुछ गलत भावना से देख रही हैं, महिलाओं में जा रहे हैं तो महिलाएं कुछ देखकर अनकंफर्टेबल फील कर रही हैं, अरे ये तो ये ऐसा वैसा, महिलाएं बाहर निकल जाती हैं।
तो हमने नगर निगम से मांग की कि एक अलग ट्रांसजेंडर टॉयलेट बना के हमें दे, जिससे हमें किन्नरों को जाने में असुविधा ना हो पाए, जिससे उनको मिला। कमच्छा डानिया होटल के सामने उन्होंने पिछले साल ट्रांसजेंडर टॉयलेट का निर्माण किया, जिससे किन्नर समाज में बहुत राहत आई, जिससे किन्नर समाज ने बहुत सुकून अपने आप में सोचा कि नहीं, अब कहीं ना कहीं मेरे लिए भी काम हो रहा है। उसके बाद हमने उत्तर प्रदेश सरकार से एक बोट की मांग की, जिसमें हाई कोर्ट का आदेश, सुप्रीम कोर्ट का आदेश कुछ भी नहीं आया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश अचानक से आता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर किन्नर कल्याण बोर्ड का गठित किया जाएगा, जिससे किन्नर समाज को जोड़ा जाएगा। फिर बड़ी सुकून, फिर थोड़ा सा सुकून आया कि थोड़ी सी राहत मिली कि चलो अब बोर्ड बन गया, बोर्ड के तहत काम होगा। फिर बोर्ड में एजेंडा बनाना था और बोर्ड में लगातार कि किन्नर समाज के लोग इसके उपाध्यक्ष होंगे, इसके सदस्य होंगे, बहुत सी चीजें हमने लिखी थी कि हमें प्रशासन, पुलिस प्रशासन में प्रोटेक्शन में भी हमको जगह दी जाए, हमको स्वास्थ्य में भी जगह दिया जाए, हमको स्कूल कॉलेज में भी जगह दिया जाए, कि हम कहीं मच्छे की गई हम पीछे ना हो जाए, हमें भी जैसे महिलाएं को बराबर, जैसे पुरुषों को और महिलाओं को बराबर का अधिकार है, वैसे हम भी सोचते हैं कि हमें भी उतना ही अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि जैसे मेल्स और फीमेल जी रहे हैं, वैसे हमें भी जीने का अधिकार है इस देश में। बोर्ड के तहत बहुत सी एजेंडे आए उसमें कि ये वगैरह वगैरह ऐसा रहेंगे, मगर ये एजेंडे नहीं कि किस पर खास काम होने हैं। उन्होंने कहा कि इनकी मेन प्रॉब्लम क्या है, फिर हम लोगों ने प्रॉब्लम बताई और उसमें अपने लेटर पैड में लिखा अपने, मेरा एक संस्था है गुलिस्ता ट्रस्ट, गुलिस्ता एकता किन्नर ट्रस्ट है, इस संस्था के माध्यम से लेटर पैड पे हमने जिला अधिकारी, जिला कमिश्नर को और समाज कल्याण अधिकारी को लिख के हमने दिया। वो एजेंडा मुख्यमंत्री के यहाँ गया और जाने के बाद फिर हमने प्रपोजल डालने की फिर कोशिश की कि जो हमने काम की है इतने दिन में कि वो प्रपोजल डालें कि जिससे वो एक्सेप्ट कर ले हमारी चीज़ों को, फिर भी वो चीज़ नहीं हो पाई, सदस्य वो नहीं बनाए मुझे, सदस्य से हमको हटा दिया। तो फिर उसका भी मुझे कोई वो नहीं था कि हमको सदस्य बनना है, हमें ये था कि हमारे समाज का कैसे काम होना है, हमारे समाज का कैसे उद्धार होना है, हमारा ही नहीं पूरे समाज का कैसे उद्धार होना है, हमें ये देखना है। वो बोर्ड के माध्यम से आज डेढ़ साल का दिन हो गया है, दो साल का दिन हो गया है वो बोर्ड को गठित करने और बोर्ड पे काम चल रहा है। सरकार ने जिसमें कि 1,56,00,000 का बजट लाया, उसमें जिसमें कि किन्नर समाज के उत्थान के लिए उसमें बजट लाया, कल्याण के लिए जो उसमें काम करना है, ये जो योजनाएं बननी है उसके लिए लाए, मगर अभी तक कोई खास ऐसा काम नहीं हुआ है कि जिससे हमें भी राहत मिल पाए। मगर एक राहत ये है कि हमें वोट मिल पाया है और हमें सरकार का सपोर्ट मिल पाया है और हमें उम्मीद है और हमें भरोसा है कि हमें भी आगे और काम मिल पाएगा। मगर सबसे बड़ी बात ये रही कि बेटी, बेटी एक माँ बनती है, बेटी ही एक किसी की बहू बनती है, बेटी ही किसी की दादी बन जाती है, बेटी ही बुआ बनती है, बेटी ही मामी बनती है, मगर वही बेटी के पेट से, वही माँ के पेट से हम भी पैदा हुए हैं, उसी गर्व से। उस गर्व का दर्द मुझे भी है, उस गर्व का दर्द उस माँ को भी है। तो हमें भी महसूस होता है कि हम अपनी माँ के आंचल में सोए, अपने माँ के साए में रहें, अपने माँ के प्यार में रहें, पले बड़े, हमें भी ये हमें भी लगता है कि हमारी माँ होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं लगता है कि महिलाओं के साथ जो चीजें हो रही हैं वास्तव में गलत। अभी एक मतलब कि 40-50 साल पहले देखिए कि पुरुष प्रधान देश, मतलब कि मतलब मेल जो है वो सबसे ऊपर, फीमेल नीचे, उसके नीचे मुझे, तो नहीं चाहिए मुझे वो ऊपर नीचे नीचे, हमें एक बराबर अधिकार चाहिए दर्शक। हमारी रातें, हमारी सड़कें, हमारी भी, पुरुष के लिए रात है तो हमारे लिए भी रात है, पुरुष के लिए सड़कें हैं तो हमारे लिए भी सड़कें हैं। हम क्यों नहीं निकल सकते रात को, हमारी बेटियां क्यों नहीं रात को निकल सकती, ये क्यों भय है, ये क्यों डर लोगों में है, क्यों लोगों में ऐसी दहशत क्यों है बेटियों में कि उनको ऐसी दहशत पुरुषों ने बना रखी है देश के अंदर कि महिलाएं जिस तरीके से पीड़ित होती हैं, डरती हैं, भय है, मगर कुछ बेटियां ऐसी हैं कि नहीं, वो लड़ती हैं और फाइट करती हैं, मगर उनके साथ कभी कभी ऐसा हो जाता है जिससे उनको वो दुनिया को अलविदा कहना पड़ता है, उनके साथ रेप हो जाता है। आपको मालूम कि देश के अंदर 3 साल की बेटी को भी नहीं छोड़ा जा रहा है कि रेप से, उनका भी रेप कर दे रहे हैं। तो
तो ये मानसिकताएं सोच कहां है? कानून है, संविधान है, राइट है, सब कुछ है, मगर लोग क्यों इतनी खुला खुले तरीके से लोग घूम रहे, खुले तरीके से लोग अपने इस हैवानियत को अंजाम दे रहे हैं? ये हैवानियत कब तक चलेगी? मगर हमें अब क्या करना है वो हमें देखना है, हमें सोचना है कि अब हम एक साथ मिलकर बहन बेटी उस जगह पे आए कि हम अपने पुरुष हमारे लिए बुरा नहीं है, पुरुष से ही सब कुछ है, स्त्री से ही सब कुछ है, हमें एक साथ मिलकर आना पड़ेगा। ये सोच, ये भय हमें खत्म करना है, हमें बिल्कुल एकदम साफ करना है चीजों को कि हमें इस चीजों को देखना ही नहीं है कि क्या है। हमें लड़ना होगा, हमें राइट से लड़ना होगा कि प्रशासन से हमें कहना होगा नहीं, हम अधिकार भीख के रूप में नहीं मांगना है, अधिकार हम संवैधानिक तौर पर मानना है कि जो संविधान में जो हमारे लिए ये मूल अधिकार हमको मिला है इससे हम लड़ सकते हैं। कानून बहुत मजबूत है, कानून बहुत सशक्त है, मगर अभी भी जो कानून चला रहे हैं, जिनके हाथ में कानून की भाग दौड़ है, वही व्यक्ति सही नहीं है। अगर से वो सशक्त हो जाए तो ये देश अच्छे से चल सकता है। बहन बेटियों के साथ जो अन्याय हो रहा है उनको न्याय मिल पाएगा। आपको पता होना है कि 2 साल पहले लॉकडाउन था और देश में ये कोरोना की भय से सारे लोग डर गए थे कि बाप रे बाप, ये बीमारी है, ये बीमारी है, सब लोग घर के अंदर थे कि वाकई वाकई कोरोना हो जाएगा तो हम मर जाएंगे। फर्स्ट वीक में तो कुछ ऐसा नहीं हुआ, जब सेकंड का आया, सेकंड में आपने देखा होगा कि बाप रे किस तरीके से लोग मरे, किस तरीके से लोगों की जान चली गई। कोरोना का जब इतना भय हो सकता है, कोरोना का भय इतना था, लॉकडाउन का भय था, डर था, सब घर के अंदर थे, अगर से बेटियों और महिलाओं के लिए अगर ऐसा कोई सशक्त कानून लाया जाए कि उससे भी भय, मतलब कि उनके अंदर डर पैदा हो, सोच उनकी बिल्कुल बदल जाए। मुझे तो लगता है कि कोरोना जैसा ही कोई कानून महिलाओं के ऊपर बनना चाहिए कि लोग जैसे कोरोना से डरते थे ना, डरना नहीं है। इस तरीके से जो अधिकार है, सामाजिक जो अधिकार है, उनको सामाजिक वो अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं यार, अगर तो महिलाओं के साथ हम ये करेंगे तो नहीं, महिला हमारे पास एक्शन ले सकती है, ऐसा हो सकता है नहीं। तो अगर से जहां अगर से उनके लिए मजबूती और सशक्त कानून और सशक्त चीजें बन जाएंगी तो महिला अपने आप को कभी कंफर्टेबल फील नहीं करेगी। और कुछ लोग बेटी भी पैदा करते हैं, बेटा भी पैदा करते हैं, अगर से हमारे घर के अंदर बेटा नहीं है, अगर से आधी रात को अगर से कोई इमरजेंसी लगती है या हमें कोई हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है, कुछ की जरूरत पड़ती है, तो पुरुष बाहर जाता है। तो हमारा यही कहना है कि ऐसा राइट, ऐसा कानून बने। और एक भी किन्नर समुदाय से हूं, मैं किन्नर हूं, मैं बोल रही हूं आपसे, सभी ये चैनल से देख रहे हैं, मैं बोल रही हूं ऐसा कानून बने, कहीं रात को आपके कुछ इमरजेंसी पड़ जाए, जो बेटी को निकलना पड़े, तो ऐसा देश बनाओ, ऐसी सोच बदलो कि आधी रात को बेटी भी निकल जाए, छोटी सी भी आंच उसके ऊपर चिंगारी भी ना आए, और बिना बिना कुछ हुए वो सेफ्टी से चली जाए और सेफ्टी से घर आ जाए, उसको भी अधिकार है आधी रात को निकलने का। जो समाज की सोच है कि यूं कपड़े पहन के निकलते हैं, वो करते हैं, पहले तो हम ड्रेस को ही देख कर लोग फेस कर देते हैं, तुलना कर देते हैं, ये है वो है, भाई उसका अधिकार है वो पहन रही है, उसका अधिकार वो चाह रही है, तुम्हारा अधिकार है बाहर निकलने का, तो इसका क्यों नहीं है? तो इन चीजों को सोच बिल्कुल बदलनी चाहिए। हमारे पर 377 जो धाराएं जो ये अंग्रेजों के जमाने से जो लगी थी, वो अभी कुछ ही साल पहले वो हमारे पर से हटाई गई है, जिसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत उनको शुक्रिया कि उन्होंने थर्ड जेंडर एक कानून बनाया, जिससे आपको पता है कि कानून का बनाने के लिए पहले वो हम लोग पार्लियामेंट जाते हैं, जिसमें सांसद वगैरह उसमें वोटिंग करते हैं, उसको बिल को संसद भवन से पास करते हैं, जिसमें वेरीफाई होने के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है, फिर वो कानून तैयार हो जाता है, कानून पक्का हो जाता है। फिर तो थर्ड जेंडर कानून नासा जजमेंट हमारे लिए जो बनाया, थर्ड जेंडर कानून 2014 में ये हमारे लिए कानून जो बना है, जो हमें ये अधिकार जो मिला है, जो हमें ये राइट मिली है, उससे हम कई गुना सोचते हैं कि हमें बहुत अच्छी राहत मिली, कहीं तो हमारी समानता, हमको समानता तौर पे देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं सोच लोगों की बदली है, कहीं ना कहीं हमारे लिए भी जगह बनी है। तो उस सुप्रीम कोर्ट को और उस राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को बहुत बहुत शुभकामना। अब वो तो नहीं रहे अब दुनिया में,
वो अमर रहे, प्रणब मुखर्जी वो अमर रहे, दुनिया में नहीं रहे, वो राष्ट्रपति थे। प्रणब मुखर्जी के समय ही ये कानून को पारित किया गया था, वो अमर रहे बेचारे, अब नहीं, वो कोविड में उनकी डेथ हो गई। और कई बार कहीं का सलाम कहें तो हमारे लिए कम है, और जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे उनको भी बार बार सलाम, उनको भी बार बार थैंक यू और शुक्रिया कि हमारे लिए कानून बना जिससे एक सत्ता और सत्ता शासन प्रशासन को भी पता लग पाया कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश सरकार को और प्रशासन को मानना पड़ता है, बुरी सी बुरी हालत में मानना पड़ता है कि वो संवैधानिक चीजें हैं, उसको मानना पड़ेगा। तो बहुत बहुत अपने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं, जिससे हमें बहुत राहत है।